Subscribe my channel. Press the bell icon for watching my new video. हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू। आज इस एपिसोड में आपसे बात करने वाला हूँ टॉप 5 पंजाबीज मूवीज ऑफ 2019 वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस अपडेट फुल लिस्ट इंडिया नेट एंड ओवरसीज ग्रॉस। इस वीडियो में आपको बताऊंगा टॉप 5 पंजाबीज मूवीज 2019 की। मैं उन्हीं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में आपको बताऊंगा जिनका कलेक्शन फुल डेज कंप्लीट हो चुके हैं बॉक्स ऑफिस में। जो भी बॉक्स ऑफिस में चल रही है मैं उसका कलेक्शन नहीं बताऊंगा। तो पहली जो मूवी है वो है काला शाह काला। ये बिनो ढिल्लो की मूवी थी। इस मूवी ने इंडिया प्लस ओवरसीज में यानी वर्ल्ड वाइड में जो टोटल कलेक्शन किया था वो 20 करोड़ का कलेक्शन किया था। और इस मूवी को वर्डिक्ट जो मिला था वो सुपर डुपर हिट का वर्डिक्ट मिला था। अब बात करते हैं सेकेंड मूवी की। तो सेकेंड मूवी है गुड़िया पटोले। ये भी एक पंजाबी मूवी है और इस मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस में काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया था और ये भी 2019 में रिलीज़ की गई थी। इस मूवी ने जो कलेक्शन किया था इंडिया प्लस ओवरसीज़ में यानी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस वो अराउंड 18 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। और इस मूवी को भी जो वर्डिक्ट मिला था वो अराउंड सुपर हिट का वर्डिक्ट मिला था। इस मूवी का वर्डिक्ट था सुपर हिट। थर्ड मूवी है वो है रब द रेडियो। ये भी एक काफ़ी अच्छी मूवी थी और इस मूवी ने भले ही काला शाह काला और गुड़िया पटोले जैसा कलेक्शन नहीं किया था लेकिन फिर भी ये मूवी बॉक्स ऑफिस में काफ़ी अच्छी साबित रही थी और इस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। बात की जाए मूवी के कलेक्शन की तो मूवी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में यानी इंडिया प्लस ओवरसीज में जो कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड वो अराउंड 14 करोड़ का कलेक्शन किया था और इस मूवी को वर्डिक्ट मिला था हिट का वर्डिक्ट मिला था। अब बात करते हैं अपने फोर्थ मूवी की तो वह है उड़ा अड्डा। ये भी 2019 में रिलीज़ की गई थी और ये भी एक अच्छी खासी पंजाबी मूवी थी जिसे काफ़ी लोगों ने पसंद किया था। कुछ लोगों को मूवी पसंद नहीं आई थी लेकिन ज़्यादा लोग ऐसे थे जिन्हें ये मूवी पसंद आई थी। और इस मूवी ने जो इंडिया और वर्ल्ड वाइड में इंडिया और ओवरसीज़ में यानी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में जो कलेक्शन किया था वो अराउंड 13 करोड़ का कलेक्शन किया था और इस मूवी को जो वर्डिक्ट मिला था वो हिट का वर्डिक्ट मिला था। और जो फिफ्थ मूवी है वो है काका जी। ये भी एक पंजाबी मूवी है। इस मूवी का बजट जो था वो 6 से 7 करोड़ के आसपास का बजट था और इस मूवी ने जो कलेक्शन किया था वो अराउंड 9 करोड़ का कलेक्शन किया था इंडिया और ओवरसीज़ यानी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस 9 करोड़। और मूवी को जो वर्डिक्ट मिला था वो सेमी हिट का वर्डिक्ट मिला था। तो ये थी टॉप 5 मूवीज़ जिन्होंने पंजाबी 2019 में पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में दबदबा बना के रखा था। अब बात करते हैं दो ऐसी मूवीज़ जिन्हें आप कह सकते हैं कि ये भी बॉक्स ऑफिस में चली थी लेकिन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। जो सिक्स्थ मूवी थी वो है बैंड बाजे। और इस ये मूवी बॉक्स ऑफिस में काफ़ी चली थी लेकिन उस तरीके से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर पाई थी उतना अच्छा जितना कि और मूवीज़ ने किया था। इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड में जो कलेक्शन किया था वो 8 करोड़ 25 लाख का कलेक्शन किया था और इसको एवरेज मिला था वर्डिक्ट मिला था एवरेज मूवी का। सेवंथ मूवी थी हाई एंड यारियाँ। हाई एंड यारियाँ वैसे कुछ लोगों ने पसंद की थी लेकिन शायद इस मूवी के प्रमोशन उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाए और मूवी को जो कलेक्शन कर पाई मूवी वो अराउंड 5 करोड़ के आसपास ही कलेक्शन कर पाई और मूवी जो है वो बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही थी। तो आपको क्या कहना है इन सभी मूवीज़ के बारे में, उनके कलेक्शन के बारे में और आपकी इन सभी में से कौन सी फेवरेट मूवी रही है 2019 की, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।